गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग मॉलिक डायग्राम और स्कीम टेबल के बेसिक्स को देखा था और कुछ रैंक एंड न्यूमेरिकल्स को भी टच किया था। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि एक बार छोटा सा शॉर्ट रिवीजन देखते हैं। हमने जितने फॉर्मूले पढ़े हैं उन सारे फॉर्मूले को एक जगह इकट्ठा करते हैं ताकि हमारे पास एक जो शॉर्ट नोट्स हो एक रैंक एंड सेकेंड का, वो मेरे पास एक कलेक्शन हो जाए और जब भी हमें फॉर्मूले रिवाइज करने हो तो हम उसे एक जगह कलेक्ट कर सकें। मीन्स हम एक जगह उसे ऑन रिकॉर्ड कर सकें। तो मैं लेफ्ट साइड में एक डायग्राम बना देता हूँ, डी एस डायग्राम, और सारे फॉर्मूले यहाँ लिखेंगे बारी बारी से। और उन फॉर्मूले को हम, क्योंकि बहुत ढेर सारे फॉर्मूले होंगे, हम लोग उसे रफ भी कर देंगे यहाँ से, तो नोट करेंगे साथ में। एक आइडियल रैंक एंड सेकंड पता है क्या पहले आपको, तो जो भी फॉर्मूले हमको नोट कर लें, हमें एक फॉर्मूले डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। आई होप कि आपको क्लियरली विजिबल होगा। बॉयलर है, टू से थ्री बॉयलर, इट मींस बॉयलर प्रेशर पीवी, दिस इज स्टीम टरबाइन, टरबाइन सेक्शन, this is condenser, condenser pressure PC, PC lower pressure है, high pressure, हमने TS diagram बनाया है, bulb से pump, heat supply, combustion chamber हो रही है, QS, heat rejection, condenser में हो रहा था, QR, टर्बाइन आउटपुट हमें दे रहा था WT, पंप वर्क हो रहा था WT। ये हमारे वो टर्मिनोलॉजी थे जो हमने रैंक एंड सेकंड को डिफाइन करने के लिए यूज किए। WT पंप वर्क, PV बॉयलर प्रेशर, WT टर्बाइन एंड PC इज कंडेंसर। ये PS डायग्राम से क्लियर तो हो जाता है कि हाई प्रेशर लोअर प्रेशर, क्योंकि हमने देखा था ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन होती है। तो अब आई थिंक ये पूरे साइकिल को डिफाइन करने के लिए, इसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए हमें पूरे प्रोसेस में सिर्फ नाम ही सफिशिएंट है, क्योंकि हम सारे न्यूमेरिकल्स को भी टच कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल्स के हिसाब से अगर बेसिक पे जाते हैं, इट मींस कि हमने बॉयलर को टच किया है, पंप के बारे में जानते हैं, पंप किस कंडीशन में वर्क कर रहा है, बॉयलर कौन से प्रेशर पे, कंडेंसर कौन से प्रेशर पे, या आइसोट्रोपिक टरबाइन एक्सपेंशन दे रहा है, पंप पे कंडीशन हो रहा है, क्या प्रोसेस हो रहे हैं वो हमें पता है। क्वेश्चन के हिसाब से फॉर्मूले हमें डिराइव करने चलने हैं, तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। आई होप क्योंकि हम लोग ये सब चीज़ें जान रहे हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं। और ये मान के चल रहे हैं कि मास फ्लो रेट हमारे लिए है 1 kg/s, जो मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम है, जो इस पूरे साइकिल में फ्लो कर रही है, मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम को हम एज्यूम कर लेते हैं यहीं पे। यहाँ पर देखना होगा, ये ज़ूम हमारे लिए, यहाँ मान लेते हैं ज़्यादा अच्छा है। अज़ूम कर लिया गया है कि मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम 1 kg/s। ये पूरे साइकिल के लिए मैं मान रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग ही हम सारे फॉर्मूले को लिखते हैं। तो अगर इन केस एग्जाम में या किसी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं या कोई टेस्ट दे रहे हैं, इंटरनल टेस्ट दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अगर मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम आपको दिया हो, सपोज 1 की जगह 2 दिया हो, 3 दिया हो, 1.005 दिया हो, व्हाटएवर मे बी द वैल्यूज गिवन फॉर एमएस एम डॉट एस, देन आपको उस वैल्यू को एमएस से मल्टीप्लाई कर देना, मींस मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम से मल्टीप्लाई कर देना। और मल्टीप्लाई करने के साथ मैं अपन में यूनिट क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो हमें दो चीज का ध्यान रखना है कि हमारे एम की वैल्यू क्या दे रखी है और किस यूनिट में दे रखी है। तो हमने एजम्पशन लिखा, अगर हम बॉयलर से शुरू करें 1 से 2, पंप पे आपका 1 से 2 प्रोसेस, 1 से 2 प्रोसेस में क्या है, पंप पर डब्ल्यू पी इक्वल्स, मैंने आपको क्या सिखाया था, इस पूरे साइकिल में स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वैलिड होता है, क्योंकि सारे फ्लो सिस्टम में देखिए पंप और ओपन फ्लो सिस्टम में हमारा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इन है इक्वल टू अमाउंट ऑफ एनर्जी आउट है, इट्स एनर्जी वैल्यू इक्वेशन हमारे पास वैलिड है। हम यहां पर देखते हैं तो हमारे पास
हायर एंथैल्पी माइनस लोअर एंथैल्पी, ये हमें मिलता है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं प्रोसेस फंक्शन 3 की तरफ, हमारे पास प्रोसेस फंक्शन 3 क्या है, क्या होगा टर्बाइन पर S3 माइनस H4 ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है जो हमें चाहिए ही चाहिए, यानी एंथैल्पी में सारे पॉइंट पे मिलनी चाहिए, तभी ये सारे वैल्यूज कैलकुलेट हो सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। दूसरी चीज ये देखिए कि जितने हमने टर्म लिखे हैं W P Q S W P Q R एंथैल्पी के टर्म में लिखे हैं, और एंथैल्पी की यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ये वो वैल्यू है जिसमें मास का मल्टीप्लिकेशन, मास और रेट ऑफ स्टीम का मल्टीप्लिकेशन कहीं नहीं है, मींस m डॉट s को हमने 1 मान रखा है और 1 कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। सपोज मान लेते हैं कि हमने m डॉट s की वैल्यू को 2 किलो जूल पर केजी कर दिया, सपोज ये हमने लगाया, तो जहां जहां हमने एंथैल्पी लिखी है ना उसको ब्रैकेट में करेंगे और उसके बाद m डॉट s का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सपोज आपको W2 निकालना है, m डॉट s h2 माइनस h1, क्योंकि तब आपके पास पूरे पर स्टीम गिवन होगी, अमाउंट होगा, अभी हमने मास रखा है कि बंद होगा था इसलिए हमने नहीं लिखा है, तो फॉर्मूला एक्सेल में m के साथ बनता है, बट क्योंकि m हमने मान लिया है 1 है एसयूम किया है, तो हमें वो फॉर्मूला डायरेक्टली एंथैल्पी के टर्म में मिल जाता है। लेकिन m मल्टीप्लाई करने से फायदा क्या हुआ और नुकसान क्या कुछ है देखते हैं। यही है आपके पास m डॉट s डेल्टा h इसकी यूनिट किलो जूल पर के जी, यही है किलो जूल पर के जी, ये एंथैल्पी की यूनिट है, चेंज इन एंथैल्पी का निकाला m dot s की यूनिट kV पर सेकंड। तो चूंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मींस kg न्यूमरेटर से और kg डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट होगा, हमें मिलेगा क्या किलो जूल पर सेकंड। और ये भी आपको पता है कि जूल पर सेकंड को हम वाट में लिख सकते हैं, मींस कि हमारे पास जो वैल्यू है वो किलो वाट में है। तो जब हमसे क्वेश्चन पूछेगा तो हमें ध्यान रखना है क्या मेरे से आंसर किलो जूल पर के जी पूछा है, अगर हाँ इट मींस कि एम डॉट एस का मल्टीप्लिकेशन है, अगर हमसे वैल्यू का आंसर किलो वाट में पूछा है मींस कि वैल्यू है एम डॉट एस का मल्टीप्लिकेशन है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मेरे से पूछ क्या रहा है, किलो वाट के टर्म में पूछ रहा है या किलो जूल पर के जी के टर्म में पूछ रहा है। ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है कि आपको आंसर में क्या देना है, किस यूनिट में मेंशन करना है, अगर नहीं दिया है सपोज कि अगर नहीं दिया है तो आपको एक बार चेक करना है कि आपने यूनिट दिया होगा, अगर नहीं तब तो किलो जूल पर केजी में लिया है, बट अगर ये वैल्यू ऑफ मास टू रेट ऑफ स्टीम इज गिवन देन यू शुड मल्टीप्लाई विद द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी इन ईच केस ऑफ दिस राइट हैंड साइड। नेक्स्ट अगर हम आगे की प्रूफ करें तो ये जो बेसिक टर्म्स हैं जो हमने एंथैल्पी कैलकुलेट कर लिया, इसमें और क्या बनेगा साथ में, अब हमसे पूछते हैं नेटवर्क बता दीजिए कितना होगा, तो नेटवर्क टर्बाइन हम पर टर्बाइन का फॉर्मूला S3 माइनस H4, पंप का फॉर्मूला S2 माइनस
कैच हो जाता है। ये कैबिनेट में गया हीट सप्लाई हमारे पास है तो क्या मैं एफिशिएंसी में निकाल सकता है? क्या आप कंपोनेंट की वैल्यू यहां से पुट कर ले और हीट सप्लाई की वैल्यू यहां से पुट कर ले या एफिशिएंसी नहीं कैलकुलेट हो जाएगी, हो जाएगी सिक्वेंस के मैं एंथैल्पी की वैल्यू से ये जो कि कंपोनेंट की वैल्यू है 1 2 3 4 एंथैल्पी की वैल्यू से ये और जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो 2 और 3 पोजीशन पे हीट सप्लाई की वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू हमें पता लगानी है। अच्छा पंप पर के साथ कौन सा फार्मूला है? आता है हमने थर्मोडायनेमिक्स से सीखा है, आपको याद होगा ओपन सिस्टम के लिए हमने देखा था V dP का V कौन सा लेते हैं V स्पेसिफिक वॉल्यूम किसका फ्लूइड टैंक गैस का मैंने बताया था जो एंट्रेंस पे वैल्यू होती है तो पंप आपका 1 से 2 है एंट्रेंस कौन सा है 1 पे 2 पे 1 पे एंट्रेंस है एंट्रेंस का है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की तरफ है इट मींस कि यहां पर V है मिलेगा ना कि dP इसलिए V है dP याद रखेंगे ठीक है। आपसे पूछा गया कि F क्यों D G क्यों नहीं उसका रीजन एक है कि एंट्रेंस पॉइंट की वैल्यू ली जाती क्यों क्योंकि G है ही नहीं यहाँ पे इस लाइन की तरफ तो लिक्विड है इस लाइन के अंदर वेट रीजन है और इस लाइन के इधर सैचुरेटेड वेपर लाइन के इधर सारी चीजें गैसीय स्टेज में तो इस स्टेज में इस लिक्विड रीजन में हम फ्लूइड को ही लेंगे ना कि गैसीय स्टेज को लेंगे। ये तो बेसिक फॉर्मूला है बाकी अब नेक्स्ट और आगे लेंगे। इसी के साथ आपसे मैं ये पूछूं एफिशिएंसी तो आपने देख लिया डब्ल्यू नेट और हीट सप्लाई एफिशिएंसी बढ़ाने के रास्ते क्या हैं? आइदर वी हैव टू इंक्रीज द डब्ल्यू नेट और डिक्रीज हीट सप्लाई वी हैव ओनली टू ऑप्शंस या तो हम डब्ल्यू नेट बढ़ा दें या हीट सप्लाई को डिक्रीज कर दें और तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा है एफिशिएंसी के फॉर्मूले से तो हमारा सारा फोकस होता है डब्ल्यू नेट बढ़ाने पे। डब्ल्यू नेट कहां से बढ़ा सकते हैं देखिए दिस माइनस दिस तो या तो हम इसको कम कर दें यही था डब्ल्यू नेट डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू पी या तो इसको कम कर दिया जाए या इसको बढ़ा दिया हमारे पास दो ही ऑप्शन है अगर कि आप इंक्रीज दिस और डिक्रीज दिस क्या पंप वर्क हम डिक्रीज कर पाएंगे क्योंकि पंप वर्क ऑलरेडी बहुत कम रहता है जब हम उसको वैल्यूज के टर्म में न्यूमेरिकल में देखते हैं ये ऑलरेडी बहुत कम होता है इतनी से नेगलेक्ट करते हैं इतना कम होता है कि हम उसे नेगलेक्ट करते हैं एज कंपेयर टू टर्बाइन वर्क तो इसे तो हम नहीं कम कर पाएंगे तो हमने मान लिया कि मैंने इसे नेगलेक्ट कर दिया है। अब टर्बाइन कैसे बढ़ा सकते हैं अब कोई रास्ता अब एक ही रास्ता है टर्बाइन वर्क बढ़ाने का टर्बाइन वर्क इंक्रीज करने का टर्बाइन वर्क 3 टू 4 है क्या ऑप्शन से टर्बाइन वर्क बढ़े एक ही ऑप्शन है ये लाइन जितनी बड़ी हो जाए ये लाइन जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा डब्ल्यूपी मिलने वाला है बट इसकी कुछ लिमिटेशंस है ये ज्यादा नीचे नहीं जा सकता है ये ज्यादा ऊपर नहीं जा सकता इसकी अपनी कुछ लिमिटेशंस है क्या स्टीम टर्बाइन की लिमिटेशंस जिसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक लिमिटेशंस ना कहते हैं उसे मेटलर्जिकल कंस्ट्रेंट्स की मानते हैं कि कुछ मटेरियल होते हैं वो मटेरियल एक हाई टेंपरेचर पे सस्टेन नहीं करते स्टीम टर्बाइन मोस्टली 500 550 के आसपास काम करता है और इससे ज्यादा नहीं से एक्सपेक्ट करते हैं कि 1200 और 1300 के लिए हमारे पास अवेलेबल नहीं हमारे पास जो स्टीम टर्बाइन अवेलेबल है वो 500 550 के अराउंड अवेलेबल है तो हम 1200 1300 लाइक गैस टर्बाइन कभी कंसीडर नहीं कर सकते ठीक है। तो ये एक तरीका था एफिशिएंसी के साथ इंप्रूवमेंट का ऑप्शन। अच्छा अब आपसे पूछा जाए कि ये जो हो गए बेसिक फॉर्मूले आप मुझे ये बताइए स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन क्या होता है भाई स्पेसिफिक स्टीम कंजम्पशन इट इज द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट नेटवर्क आउटपुट। तो जब हम इसको सॉल्व कर दें तो मैंने आपको बताया कि सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू 1 अपॉन डब्ल्यू नेट आती है यानी कि अगर हमें डब्ल्यू नेट पता है तो हम इसमें से स्टीम कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट
is lying specifically steam consumption, it is the mass flow rate of steam required to produce net kilowatt output. यानी कि हमने एफिशिएंसी निकाली तो हम हीट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं. अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 किलोवाट नेट वर्क आउटपुट ये हमारा हीट रेट देगा. मींस कि हमारे पास स्पेसिफिक स्टीम का कंसेप्ट है, ये मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम की जरूरत है और ये है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, कितना हीट रिक्वायर्ड है 1 किलोवाट नेट वर्क आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए. तो ये वो बेसिक स्टडी जो बेसिक फॉर्मूले है. इसे एक जगह आपको लिखना बहुत जरूरी था इसलिए मैंने इसे लिखवाया. अब चलिए मान लेते हैं हमारे पास एक रीहीटिंग का केस है. रीहीटिंग कैसे होगी? सीधा है हमारे से टॉपिक हम क्या आइडिया की चीज है आइडिया दिया है. सब प्रोसेस आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं.
फॉर्मूला देख रहा है, तो फॉर्मूला देख रहे हैं, सपोज 1 kg per second इसकी यहां होगी, यहां कुछ x या सपोज m dot 1 अमाउंट बाहर दे दिया गया, कुछ रीजनरेशन कीजिए, देन हमारे पास रिमेनिंग 1 minus m1 तो बचा, इट मींस 5 4 1 2 7 के बीच में 1 minus m1 अमाउंट ही तो फ्लो कर रहा है। तो जब हम टर्बाइन को सीखेंगे तो फॉर्मूला कहता है S3 minus H4 ये होना चाहिए, लेकिन इसके बीच में देखिए यहाँ 1 kg है और यहाँ 1 minus m1 kg है, means कि हमें सिंगल फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा क्योंकि मास फ्लो रेट डिफरेंट है दो पॉइंट्स के बीच में, means ये फॉर्मूला नहीं सही कहा जाएगा, क्यों, क्योंकि मास फ्लो रेट का वैल्यूएशन अलग अलग है। S3 minus H5 plus H5 minus H4 ठीक है, 3 से 5 के बीच में 1 का फ्लो हो रहा था, 1 kg per second का फ्लो हो रहा था, और 5 से 4 के बीच में 1 minus M1 का हो रहा था, it means कि अब हमारा टर्बाइन आउटपुट जो मिलेगा वो टोटल मिलेगा, ना कि पहले S3 minus H4। दूसरी बात, अगर हम हीट सप्लाई की बात करें तो हमारा हीट सप्लाई चेंज होगा, हीट सप्लाई रिड्यूस होता है 3 टू 7 के बीच में आ जाएगा, तो हीट सप्लाई रिड्यूस हुआ, इट मींस S3 minus H7 नेट पंप पर WT minus WP एंड देन फाइनली एफिशिएंसी डिपेंडेंट अपॉन हीट सप्लाई। तो अगर हमने देखा कि अगर हमारे पास एंथैल्पी मिलती जा रही है तो हम सारे कुछ वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी अगर रीजनरेशन और हीटिंग को नॉर्मल आइडियल लाइनलाइंस है कि वो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया था कि अगर आपके पास एक जनरल लाइनलाइंस है कि न्यूमेरिकल आ जाएगा, आप क्या करेंगे, सबसे पहले टरबाइन की सेक्शन, टरबाइन सेक्शन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए S S3 equals to S4 करेंगे, एंट्रोपी इक्वल करेंगे, S3 पे वैल्यूज गिवन होती है क्योंकि सुपर इंडेंट सिस्टम का डेटा मिलेगा हमें, एक टेंपरेचर हमें गिवन होगा और प्रेशर, तो वो हमें वैल्यूज देगा, हमारे पास स्टीम टेबल से मिलेगा या हमारे पास डेटा होगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में कहीं ये लिखा है कि मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ द साइकिल इज, सपोज इन द क्वेश्चन वैल्यू गिवन है द मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ द साइकिल इज व्हाट एवर मे बी द वैल्यू, इट मींस द मैक्सिमम टेंपरेचर इज द टरबाइन इनलेट टेंपरेचर, जो टरबाइन का इनलेट होगा वो टेंपरेचर गिवन होगा, कहीं पर भी अगर ये वर्ड लिखा है मैक्सिमम टेंपरेचर ऑफ साइकिल ये इक्वल होगा किसके, टरबाइन इनलेट टेंपरेचर के। याद रखिएगा क्वेश्चन में अगर ये नहीं लिखा है कि टरबाइन इनलेट टेंपरेचर है या बॉयलर के एग्जिट पे दिया नहीं, अगर उसको ये लाइन यूज कर लिया मैक्सिमम टेंपरेचर, पूरे साइकिल में सिर्फ यही एक पॉइंट है जो मैक्सिमम टेंपरेचर अच्छा मेंटेन करता है और कोई भी बाकी सारी वैल्यूज इससे कम होती है, तो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि टरबाइन इनलेट टेंपरेचर गिवन है। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं हमारे पास S3 गिवन होगा, S4 के लिए हमने आपको बताया था कैसे, S4 के लिए SF plus X SFG, क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, SF हमें मिल जाएगा कैसे, 4 पॉइंट लोअर प्रेशर पे है, आपको ये प्रेशर गिवन होगा, क्योंकि नहीं गिवन होगा तो कहां पर उसे कंडेंस करने के लिए एग्जिट करें, टर्बाइन के एग्जिट कहीं तो होगा, किसी एक प्रेशर पे तो होगा, कहीं नहीं गिवन है तो एटलीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो उसे लीव करेंगे, रिलीज करेंगे, तो ऐसे हमारा लोअर प्रेशर हो गया, देन हमारे पास बैलेंस फ्रैक्शन की कुछ वैल्यू होनी चाहिए पर वो तो गिवन नहीं है, तो हम ये वैल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, कि हमें ये नहीं पता है x इस लाइन के लाइन में ना या इसके इनसाइड है या इसके आउटसाइड है, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये हमें नहीं पता होता, ऐसे लोअर होगा लो प्रेशर पे, एस जी लोअर होगा और एस जी माइनस एस
वो रो जिसको हम SNG लिखते हैं, SG minus SN। तो ये रो था, ये रो था और ये रो है, means कि हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, suppose 0.98 close to 1f, पर कभी 1 नहीं लिखेंगे, कभी 1 नहीं लिखेंगे, 0.99 भी आया है। जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला है कि approximately, तब तक हम उसे approx नहीं करेंगे, और फिर 0.98 की वैल्यूज को ही कंसीडर करना है, ना कि 0.99 को 1 का कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वैल्यूज का मैं ध्यान रखना है। दूसरी चीज, x एब्स्ट्रैक्शन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट मींस कि टरबाइन का जो एग्जिट टेंपरेचर है वो किस रीजन में लाई कर रहा है, ये हमें वैल्यू शो कर दिए। x कोर में हमें मिला 0.99, इट मींस क्लोज टू 1 बट नॉट सैचुरेटेड वेपर स्टेट। दिस लाइन शोस सैचुरेशन स्टेट ऑफ वेपर, बट the value of this saturation line is x is equals to 1, but we have only 0.99, not 1. That's why we can say that the steam which is leaving the turbine and exit point is lying somewhat near the saturated state but not the saturation state. हमें इस कंडीशन पे ध्यान रखना है, द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0.99 ना कि 0.1 सॉरी 1, बिकॉज़ डायनेमिक सेक्शन की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1 के बीच में लाई करती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 0 और 1 के बीच में है ना कि 1 है, इसलिए ये इनसाइड की तरफ लाई करता है। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बॉयलर से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। आपके एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एकेडमी सिलेबस में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ भी माउंटिंग एसेसरीज पर आए हुए हैं, जैसे किसी माउंटिंग एसेसरीज का कोई एक्सप्लेन करके भी डायग्राम, या कोई एसेसरीज हो गई कोई माउंटिंग के बारे में बताइए, दोनों का रोल क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इस टाइप की चीज़ें होंगी, तो हम उसको लेकर के कुछ डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्शंस देखेंगे बॉयलर के, किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से बॉयलर किस प्रेशर के लिए यूज करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जा रहा है किसी बॉयलर को, और उस बॉयलर में क्या क्या लगा होता है, बॉयलर में कैसे कंबशन प्रोसेस होता है, कौन कौन से कंबशन के तरीके हैं हमारे पास, कैसे हम फ्यूल को उसमें इन कराते हैं, कैसे बर्निंग कराते हैं, सब हम उसमें देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और होप सो आप लोग इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे।